सो हेलो गाइस, आई एम बैक ऑन अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो एक बहुत सारी चीज़ों का मिक्स है, जैसे कि इस वीडियो में हम इसको एक व्लॉग भी कह सकते हैं, साथ ही साथ इसको हम एक चैलेंज भी कह सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैं आईफोन 4 पे स्विच करने वाला हूँ फॉर 24 आवर्स और अपने फ़ोन को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता। तो मुझे देखना है कि मैं कितनी देर सस्टेन कर सकता हूँ। और साथ ही साथ हम इसको एक टेक रिव्यू भी कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें मैं बस स्विच करने वाला हूँ, देखने वाला कितनी देर सस्टेन कर सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत बीच में इसका हाईलाइट्स वाले मतलब कुछ देख लेंगे, इस फ़ोन में कितना कुछ अभी चल रहा है 2021 तक, क्योंकि बहुत पुराना फ़ोन हो गया है और अभी तक सब कुछ चल पा रहा है इस फ़ोन में, वो सब देखेंगे। तो इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी इस फ़ोन पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, मैंने इसको अपने अंदर से निकाला, जहाँ पे मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था। तो इसको पहले मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा और मेरा चैलेंज अभी से शुरू होता है, मतलब मैं अपने दूसरे फ़ोन को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता जब तक ये चार्ज हो रहा है, तब भी नहीं कर सकता, मतलब ये फ़ोन भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी तो और भी मुश्किल है मेरे लिए। और अभी टाइम हो रहा है 1:28, तो 1:28 कल के 1:28 तक मैं इस फ़ोन मतलब मेरा ये चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं मैं कब तक सस्टेन कर पाता हूँ। तो ये मैंने इसको बड़ी मुश्किल से इसका चार्जर ढूंढ के निकाला है, मतलब बहुत मुश्किल से इसका चार्जर मेरे को मिला है। तो ये इसका बहुत टिपिकल बहुत पुराना आईफोन का जो पहले चार्जर आता था वो है, अभी फोकस नहीं हो रहा कैमरा, तो ये बहुत पुराना वो मोटा वाला चार्जर, आजकल तो पतले वाले चार्जर आते हैं आईफोन के। तो इसको हम चार्जिंग पे लगा लेंगे और मैं इसको थोड़ी देर वेट करता हूँ जब तक ये चार्ज हो जाता है, और तब तक देखते हैं और कुछ बचा है तो बातें करते हैं आपसे। तो अभी मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है आईफोन 4, और अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने ये वाले फ़ोन को रेडमी नोट 5 प्रो को टेलीफोन को अंदर रख दूं, ताकि ये चैलेंज एकदम लेजिट रहे कि हाँ मैं अपने दूसरे फ़ोन को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, वो एकदम मतलब पड़ा रहेगा अंदर 24 आवर्स के लिए, और मैं आईफोन 4 पे सस्टेन करना है। तो उसके लिए इस फ़ोन को अंदर रखने का टाइम आ चुका है, तो मैं इसको अंदर रख देता हूँ। एक मिनट, अगर मैं इस फ़ोन को अंदर रख दूंगा तो यही तो मेरा कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं किससे मतलब रिकॉर्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं बस एक्टिंग कर रहा था, ये मैं अपने फ़ोन को अंदर नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही चीज़ है और किसी से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मैं इसको अपने साथ यूज़ रखूंगा, इसको एयरप्लेन मोड पर रख के, वाईफाई ऑफ करके, मोबाइल डाटा ऑफ करके, सब कुछ ऑफ करके मैं इसको अपने पास रखूंगा। बस जब रिकॉर्ड करना होगा तब इस फ़ोन को उठाऊंगा और बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करूँगा। आप मेरे पर ट्रस्ट करो, मतलब मैं ट्राई करूँगा कि मैं बिल्कुल यूज़ ना करूँ, अगर यूज़ कर लिया तो मैं वीडियो में बता दूंगा, चैलेंज वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक घंटा हो गया मेरे को नीचे गए हुए, मतलब पहले मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था कोई पुरानी, और उसके बाद फिर मैं लंच भी किया, और एक घंटे के बाद भी इस फ़ोन को जैसे अब टाइम हो चुका है 2:29 और हमने वीडियो स्टार्ट करी थी 2:28 पे शायद से, तो पूरा एक घंटा हो चुका है और वीडियो अभी तक सिर्फ फ़ोन एक घंटे में 70% चार्ज हुआ है। तब इसको बुरी चीज़ कहूँ या अच्छी चीज़ कहूँ कि मतलब बैटरी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है चार्ज होने में और फिर बहुत ज़्यादा देर तक चलेगी, वो तो हम देख लेंगे। 24 आवर्स का चार्ज है तो 24 आवर्स चलती है नहीं चलती, तो अभी तो एक घंटा हुआ और 17% चार्ज हुआ है, तो मेरे को बहुत वेट करना पड़ रहा है वीडियो आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं कब से वेट कर रहा हूँ चार्ज हो जाएगा, तो मैं देखता हूँ थोड़ी देर और वेट करता हूँ और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कि अब देखा कि फ़ोन इतना चार्ज हो चुका है कि यूज़ होने के लायक है, 27% हो गया, तो मैंने उसको अब उतार दिया और अब मैं इसको थोड़ी देर यूज़ करूँगा, इसके फीचर्स देखूँगा बहुत पुराने वाले कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं चल रहा, अब सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी इसको बीच में ऑन किया था और बहुत कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी, मतलब बहुत कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी इन द सेंस ऐप्स नहीं सपोर्ट हो रही थी, लेकिन वैसे सब कुछ काम कर रहा था इसमें। तो अभी हम उसके बारे में भी डिटेल में थोड़ी सी बातें करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था इसमें थोड़ा बहुत रिव्यू भी आएगा, लेकिन अभी तक ब्लॉग ही चल रहा है इस वीडियो में और चैलेंज चल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी तक बिल्कुल भी अपने इस वाले फ़ोन को यूज़ नहीं किया है। मैंने हर बार इसको अपने मतलब भूल जाता हूँ, मेरा पॉकेट में पड़ा था ये वाला फ़ोन, हर बार पॉकेट में हाथ जाता था और जैसे ही हाथ बाहर निकालने लगता जाता था और नहीं मैं मतलब वापस अंदर रख देता था, क्योंकि मुझे याद आता था हाँ नहीं यूज़ करना और मैं मतलब लेजिट रहूँगा कि हाँ यूज़ नहीं करना। तो अभी इस फ़ोन के थोड़े से मैं भी खुद फीचर्स ट्राई करूँगा और फिर आपको भी बताऊँगा, तो बस ट्राई करके आता हूँ। और हाँ एक और चीज़, मैंने इसमें अपना सिम भी ट्रांसफ़र कर दिया और सबको कह दिया है कि नॉर्मल कॉल ही करें आज के दिन, क्योंकि व्हाट्सअप तो इस पर वैसे भी नहीं चलने वाला, व्हाट्सअप की ऐप ही नहीं डाउनलोडेड इसमें, और मैं ऐप स्टोर पर जाके लिखूँ व्हाट्सअप तो वर्जन जो चाहिए वो वर्जन इसमें है नहीं और वो अपडेट हो नहीं पा रहा फ़ोन, क्योंकि अब आगे सपोर्टेड नहीं है इसमें वर्जन्स, तो इसलिए मैं अब इसमें अपना सिम भी डाल चुका हूँ और नॉर्मल कॉल के लिए सबको कह चुका हूँ। तो अभी थोड़ा मेरे फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं, आईफोन 4 के बारे में। बहुत पुराना फ़ोन हो चुका है मेरा ये, इसमें मैंने कवर भी बहुत पुराना लगा रखा है, बड़े टाइम से उतारा भी नहीं, मतलब कवर उतारो तो कवर के नीचे वाली साइड बहुत डर्टी और ये सारी साफ़ है। तो इस पर मैंने रिंग फिंगर वो लगा रखा है जो इससे ऐसे वो पकड़ते हैं, सैमसंग का लगा रखा है, पता है फ़ोन आईफोन का है लेकिन सैमसंग का मेरे को मिला था, मैंने वो लगा दिया था ऐसे ही।
और इस फ़ोन में मतलब कुछ भी डला नहीं हुआ खास, सिर्फ मतलब जो बेसिक एप्स पहले से ही आती थी ये सारी ऐप स्टोर सेटिंग्स क्लॉक कैमरा, और इसमें मैंने बस पहले बहुत पहले ये डाउनलोड की थी इस, ये क्या कहते हैं सर्फ सर्वे सफर्स और स्नेक लैडर, तो ये दोनों गेम्स अच्छे से अभी भी काम करती हैं और इधर तो कुछ भी काम नहीं करता, मतलब कोई भी ऐप अब मोर ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है, तो एक बार स्टोरेज देख लेते कितनी है। ये तो इसमें सिर्फ 6.3 GB स्टोरेज है और उसमें से अब 0 बची है, और मैंने थोड़ा बहुत कैमरा क्वालिटी भी देखने की ट्राई की तो अब तो नहीं खुल रहा है कैमरा, एक फ़ोटो लेते ही कैमरा बंद हो गया, वैसे तो कैमरा चल रहा था, तो पता नहीं अगर फिर से चलेगा तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो मैंने एक सिंगल फ़ोटो ली है तो उसके हिसाब से तो इसकी क्वालिटी मतलब अच्छी तो बहुत नहीं कह सकते हो कि बहुत पुराना फ़ोन है वैसे भी, लेकिन पुराने फ़ोन के हिसाब से भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मेरे को तो अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। सेल्फी कैमरा है ये तो कुछ भी नहीं है, ये मेरी गेम के मैं स्क्रीनशॉट्स फालतू के लेता रहता हूँ, और इसमें नोटिफिकेशंस भी, जैसे ये बहुत पुराना फ़ोन है तो इसमें नोटिफिकेशंस भी बहुत पुरानी पुरानी आ रखी है, कहाँ से खुलती थी। अरे अभी तो नोटिफिकेशंस खुल रही थी, पता नहीं कुछ हैंग वैंग हो गया फ़ोन, शायद से नोटिफिकेशन ही नहीं खुल रही, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। ये फ़ोन का वर्जन 4 पॉइंट कुछ है शायद, अगर वर्जन भी देख ले तो 6.0.1 है, और सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाए तो एक और वर्जन है इसमें अवेलेबल 7 का कुछ, तो 7 तक अपडेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी स्टोरेज नहीं है, तो वो भी मैं कभी नहीं कर पाया आज तक, जब भी मेरे को ये चाहिए होता था फ़ोन एज अ स्पेयर फ़ोन, जब भी मेरा दूसरा डेली यूसेज वाला फ़ोन ख़राब हो जाता था और रिपेयर के लिए जाता था, तो इसको मैंने कभी कभार बीच में यूज़ किया हुआ है बस सिम और कॉल्स के लिए, तो इसलिए ऐप्स इस पर रन नहीं कर सकती। और अब तो 14 iOS आ गया है, तो 14 पॉइंट कुछ, तो इसलिए 7 तो बहुत ही पुराना हो गया, तो ऐप उनको सपोर्ट ही नहीं करती, तो इस पे मैं बस यूट्यूब सफारी पे देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये जैसे यूट्यूब ही डायरेक्ट खुला है कि मैंने यूट्यूब ही देख रखा है इसमें, और ये मतलब गाने वाने हैं ये सारे, ये थोड़े ऐप मतलब मैंने अपनी मम्मा को भी ये फ़ोन दिया था तो उन्होंने थोड़े सीरियल्स देख रखी हैं, तो इधर ये मेरे बहन के लिए मैंने राइम्स चलाई थी एक बार इस फ़ोन पे, तो इस फ़ोन की स्पीकर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने इस पे गाने चला रखे हैं, तो अभी वो भी ट्राई करेंगे फिर से, तो बहुत बढ़िया फ़ोन है मतलब उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो, और ये अपने खुद के पैरों पर खड़ा भी होता है, ये जैसे खड़ा हो गया आसानी से, और जैसा कि मैंने अभी बताया है इसमें बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है, तो मैं कोई भी अपलोड नहीं कर पाता, और वैसे भी सपोर्टिंग नहीं है, तो इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब कुछ नहीं चलता, तो मैं इसको मतलब चैलेंज है मेरे लिए कि मैं इसको यूज़ कैसे ही करूँ, मतलब क्या यूज़ करूँ। सफारी पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं यूट्यूब यूज़ कर सकता हूँ, तो और मैंने डिसाइड किया कि सफारी पर क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ कि सफारी पे इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर जाऊँ, और इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर ही डायरेक्ट सफारी से यूज़ करूँ इंस्टाग्राम को, अगर वो ठीक होता है तो वो यूज़ करेंगे, वरना मतलब बिना इंस्टाग्राम के मेरा लाइफ बहुत इम्पॉसिबल सी है कि मैं बिना इंस्टाग्राम के कभी रह नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसको। तो अभी के लिए मैंने उसको वापस चार्जिंग पे लगा दिया उस फ़ोन को, और मैं अपना ये वाला फ़ोन अभी तक बिल्कुल यूज़ नहीं किया इसको, और मेरे को हो चुके अप्रॉक्स 2 घंटे, तो 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा, व्लॉग 2 घंटे में ही मैंने बना लिया है, तो मैंने सोचा अभी व्लॉगिंग थोड़ा कम करते हैं, और मैं अभी 2 घंटे या 1 घंटे के लिए अपना PS4 खेलने जा रहा हूँ, कि मेरे पास PS4 भी पड़े अंदर, उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके यहाँ पे देख लो आई आइकन पे, उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, तो और मैंने उसमें बता रखा है कि शुड यू बाय PS4 इन 2021 इन इंडिया स्पेशली, तो वो जाके देख लेना उसका वो वाला पार्ट जरूर देख लेना अगर आपको भी खरीदना है एक। तब तक मैं चला अपना PS4 खेलने, बाय बाय। 2,000 years later 3 घंटे हो गए यार फोन यूज नहीं किया, हो नहीं रहा चैलेंज, क्या करूं, रहा नहीं जा रहा फोन के बिना, इनकम्प्लीट सी लग रही है लाइफ, ऐसा करता हूँ यूज ही कर लेता हूँ, इनको क्या ही पता चलेगा। नहीं यार नहीं, अरे कर लिया यूज तो फिर चिड़ हो जाएगी, चैलेंज है यार, वीडियो बनानी है तो नहीं नहीं करना चाहिए। आइडिया, लैपटॉप पे वेबसाइट पे इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, अभी मजा आएगा ना। ये कर रहा तू, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, क्या तू कुछ कर रहा था जो मेरे को पता है तुझे नहीं करना चाहिए। क्या कुछ नहीं तो कर रहा, इंस्टाग्राम की ऐप तू लैपटॉप पे यूज कर रहा था, तेरे पास चैलेंज है कि नहीं यूज करना, तो लैपटॉप पे यूज कर रहा है भाई, चीटिंग हो जाएगी ना ये तो। हाँ पता है चैलेंज है फोन यूज नहीं करना, और इंस्टाग्राम की ऐप लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ, तो क्या जा रहा है भाई, यार कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ यार, तो क्या यार, मेरा चैलेंज मेरी मर्जी। मत कर यार मत कर, तेरा चैलेंज है लेकिन मत कर, हार जाएगा चैलेंज, नहीं होना चाहिए ऐसा भाई, यूट्यूब भी मत यूज करिए अगर करेगा आगे जाके तो। अरे यार नहीं करना चाहिए मतलब, चल ठीक है यार नहीं करूंगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी नहीं कर रहा, चल यार अपने लैपटॉप पे यूज जो भी कर रहा था पहले। ओ क्या यूट्यूब यूज कर चुका है पहले, वाह भाई वाह, हाँ मतलब कर रहा था यूट्यूब, चल नहीं करूंगा ठीक है। हाँ मत कर,
बस बंद कर दे लैपटॉप और अपना चैलेंज पर टिका रहे। सो गाइज अब बज रहे हैं 6 और मेरे को हो चुके हैं 5 घंटे इस चैलेंज में और अभी चैलेंज में, और मैंने अभी तक अपने दूसरे फ़ोन को बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे से चल रहा है। अभी मेरे को अपने PS4 को खेलते हुए बहुत देर हो गई, मैं PS4 खेल रहा था, उसके बाद मैंने अपने आईफोन पे गाने भी सुने iPhone 4 पे, तो गाने भी सुन के मैं बोर हो गया थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सुन लिए मैंने, और उसके बाद PS4 पे ही बहुत ज़्यादा देर खेल ली, तो मैं ज़्यादा देर खेलता नहीं, तो खेलने के बाद मैं नीचे आ गया, और नीचे आके अब मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग है तो सब कुछ ही बताएंगे, तो बता रहा हूँ कि साइकिल चला रहा हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगा, तो यस, तो साइकिल चलाते हुए थोड़ा बहुत ब्लॉग सिनेमैटिक शॉट्स, मतलब सिनेमैटिक तो नहीं आते मेरे को, लेकिन थोड़े बहुत शॉट्स विद बैकग्राउंड म्यूज़िक लेते हैं। तो अभी मैं अपनी साइकिल पे बैठा हूँ और मैंने अपना फ़ोन कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके साइकिल पे माउंट कर रखा है, तो थोड़े बहुत शॉट्स इसमें भी लेंगे। एक न्यूज़ कि मैं ना, मतलब नीचे बैठा हुआ था, आई वॉज ड्रिंकिंग माई टी, और वो टी ड्रिंक करते करते मेरे को बहुत आया था कि मैं अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूं। ये फ़ोन मेरे पॉकेट में पड़ा था कैमरा यूसेज के लिए, क्योंकि मैं नीचे अभी गया था जैसे आपने देखा, और मैं साइकिल चला रहा था, तो मैं नीचे से लेकर गया था इस फ़ोन को अपने साथ में पॉकेट में, ताकि मैं साइकिल चलाते हुए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकूं। तो उसके बाद मैंने चाय पी, और चाय पीते पीते मैंने गलती से अपने फ़ोन को निकाला और इंस्टाग्राम भी ऑन कर दिया, और 2 मिनट के लिए यूज़ किया, मतलब 2-4 मिनट के लिए यूज़ किया, और फिर मेरे को ध्यान में आया, ओ ये तो मैंने नहीं करना था। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये चैलेंज यहीं पे ख़त्म हो गया है, मतलब आईफोन का रिव्यू दे दिया मैंने, व्लॉग भी मतलब अपने डेली लाइफ के बारे में जो जो कर रहा था वो भी बता दिया, लेकिन चैलेंज मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने गलती से, मतलब सच्ची में गलती से, अब ये गलती वाला 4 मिनट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, मतलब चैलेंज है तो माना तो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं इस चैलेंज को मतलब ऑलमोस्ट बहुत थोड़ी सी देर में ही हार गया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं क्या ही कहूँ, तो चैलेंज यहीं पे ख़त्म होता है। सो ये वीडियो भी यही ख़त्म होती है, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, एंड इफ यू एंजॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे जैसे ही और कोई नई वीडियो, ब्लॉग, चैलेंज, टेक रिव्यू, गेमिंग, बहुत कुछ आता है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना समय टेक्नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।